नमस्कार ई पी एफ एग्जाम पाथ फाइंडर में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च में निकली रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर और सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के बारे में तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सी आई एम एफ आर यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत दो पोस्ट यानी कि रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर और सिक्योरिटी ऑफिसर इनके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं आ, इनकी मेन मेन डिटेल्स हम जल्द से जान लेते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो एम बी बी एस की है एम बी बी एस विद फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स फ्रॉम रिकोग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट उसके साथ साथ एक एम सी आई की रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर्ड है मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए अठारह से पैंतीस साल की है पैंतीस साल मैक्सिमम एज लिमिट हो गई एंड सेकेंड है सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट जिसके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन है कि एक्स सर्विसमैन, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर या फिर असिस्टेंट कमांडेंट फ्रॉम सी आर पी एफ बी एस एफ आई टी बी पी एट्सेट्रा उसके साथ पे स्केल की रिक्वायरमेंट भी है अगर uh, या फिर जे सी ओ की अगर आपने पोस्ट होल्ड करी है या फिर ऐसी इक्वल्ट रैंक होल्ड करी है पैरामिलिट्री फोर्सेज में कम से कम दस साल के लिए तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं मैक्सिमम एज लिमिट दोनों पोस्ट के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं थर्टी फाइव ईयर्स की है अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट जान लीजिए स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन प्रोसेस की 13 जून 2020 है और लास्ट डेट 27 जुलाई 2020 हज़ार बीस है uh, हमारी वेबसाइट पर इस वेबसाइट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स यानी कि इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट हिंदी एडवर्टाइजमेंट जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हुआ साथ साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोनों पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर और सिक्योरिटी uh, ऑफिसर इससे रिलेटेड सभी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन uh, की जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है क्वालिफिकेशन है पे स्केल पे ग्रेड और सभी डिटेल्स आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पा सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है एंड uh, इसके साथ ही साथ अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑफिशियल uh, नोटिफिकेशन के साथ ही दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके uh, दिए गए पते यानी कि इस पते पर भेज सकते हैं सभी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके ऑफकोर्स इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट सवाल जवाब है तो आप हमारे कम्युनिटी फॉरम पर भी आ सकते हैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यहाँ पर आके आप अपना कोई भी सवाल जवाब और डिस्कशंस कर सकते हैं आशा करते हैं इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा आज की इस वीडियो के लिए इतना ही धन्यवाद